साड़ी पहनकर आईआईटी के मंच पर हिंदी में स्पीच दी रोबोट सोफिया। मुंबई। आईआईटी मुंबई में चल रहे एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी महोत्सव टेक फेस्ट 2017 का दूसरा दिन सोफिया के नाम रहा। शनिवार को सऊदी अरब की पहली रोबोट सोफिया जैसे ही साड़ी में लोगों ऐसी मुखातिब हुई, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी गूंज उठा। यह सिलसिला यही नहीं रुका, तब तक जारी रहा जब तक वह मंच पर रही। सोफिया ने नमस्ते इंडिया, मैं सोफिया कहकर लोगों का अभिवादन किया। इस पर हॉल में बैठे कुछ ने तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी तू, कुछ ने खड़े होकर सोफिया का अभिवादन स्वीकार किया और हौसला अफजाई की। बता दे रोबोट सोफिया को सफेद नारंगी साड़ी पहनाई गई थी। आपका ये बता दे सोफिया काए सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता प्रदान की है। सिटीजनशिप पाने वाली यह दुनिया की पहली रोबोट नागरिक है। नागरिकता मिलने के बाद सोफिया ने थैंक यू कहकर सऊदी अरब की सरकार का शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि पहली बार रोबोट को सिटीजनशिप ऐसी पहचाना जाना ऐतिहासिक है। हेसन रोबोटिक्स के दायवारा बनाए इस रोबोट की खास बात यह है कि यह आपके दैनिक कामों के अलावा सवालों के जवाब भी देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया है और यह एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां मानव और रोबोट के कामों की तुलना हो सकती है।